हैं आपकी हिंदी अध्यापिका का बोल रही हूँ। दसवीं पाठ पढ़ने वाले हैं आज हम कोटा रेखा, ठीक है। गलतियाँ करना गलत नहीं है, लेकिन उन्हें सुधारना आवश्यक है। गलतियाँ करना मनुष्य का स्वाभाविक गुण है। जैसे छात्र जाने अनजाने में गलतियाँ करते हैं, उन्हें प्रेम से स्नेह से ठीक किया जा सकता है। परिस्थितिवश की गई गलती को सोच समझकर सुधारा जा सकता है। पाठ के एक एक पेज में दिया गया है शब्दार्थ, पढ़ लीजिए बच्चों। अभी देखिए, इस प्रणाम पत्र कहानी में कहानीकार ने सच्चाई परिश्रम ये करेपन को व्यावहारिक स्तर पर व्यक्त किया है। सुरेश परीक्षा में फेल हो गया, लेकिन उसने अपने घर वालों को सही परीक्षा परिणाम नहीं बताया, बल्कि नकली रिपोर्ट बुक बनाकर अपने पिताजी को दिखाई दी। इस रिपोर्ट बुक के अनुसार उसे सभी विषयों में बहुत अच्छे अंक मिले थे। चूंकि वह मासिक त्रैमासिक तथा छमाही परीक्षाओं में लगातार फेल हुआ था, इसलिए उसके पिताजी ने सोचा कि एकाएक इसमें इतनी योग्यता कहाँ से आ गई। बाद में जब रिपोर्ट बुक घर आई तो पता चला कि सुरेश सभी विषयों में फेल है। उसके पिताजी कुछ बोले नहीं उसे समझाने के लिए अवसर की प्रतीक्षा करते रहे। एक दिन यात्रा करते समय बस के कंडक्टर ने उन्हें एक खोटी अटनी थमा दी। घर वापस आने पर उन्होंने सुरेश को वही अटनी देखकर सब्जी लाने के लिए कहा। सभी दुकानदारों ने ये कहा कि अटनी खोटी है, इसका कुछ नहीं मिलेगा, तो वह निराश होकर घर वापस लौट आया। उनसे सारी बात अपने पिताजी को बताई। सुरेश की बात सुनकर उसके पिताजी ने कहा, जब खोटी अटनी बाजार में नहीं चल सकती तो खोटा आदमी संसार में कैसे चल सकेगा। अब सुरेश की समझ में सारी बातें आ गई। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए ज़रूरी है कि हम अपना कार्य परिश्रम मतलब हार्ड वर्क सच्ची लगन एवं ईमानदारी से करें द्वारा दोहा देने से हमें सच्ची सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। वास्तव में हम नैतिक रूप से दूसरों की नज़रों से गिर जाते हैं। हमें अपने चरित्र को ऊंचा बनाने तथा दूसरों की भलाई करने के लिए हमें सदैव सही कार्य ही करना चाहिए, ठीक है बच्चों। मैं सोचती हूँ आपको समझ में आ गया। ये लड़का सुरेश अपने पिताजी को रिपोर्ट कार्ड झूठा रिपोर्ट कार्ड दिया है बताया था, क्योंकि कंटिन्यूसली ही वॉज गेटिंग फेल मार्क्स। सो पिताजी को पता चले तो कुछ डांटेंगे या मारेंगे डर के, ऐसे ही कर रहा था। एक दिन उनके पापा बाजार भेजे, उसे कुछ भी बन नहीं पाया, काम नहीं कर सक पाया, तो पूछे थे तो ज़िंदगी में तुम क्या करोगे। तो उसके बाद उसको मन में समझ आया, देखो बच्चों को लाड़ प्यार से बताना पड़ेगा आप उनका गलती क्या है और कैसा उससे बाहर आना है और कैसा फेस करना है, हैंडल करना है समस्या को, बोलते बड़े लोग समझाना है। इतना ही है बच्चों। और पाठ पढ़ के देखिए पूरा पाठ, तो रीडिंग प्रैक्टिस आएगा आपको, इसलिए पाठ पूरा पढ़ के देखिए और कवि परिचय भी पढ़ के देखिए, अभ्यास कर लीजिए किताब में जो भी है कर लीजिए पेंसिल से, और प्रश्नोत्तर अपने क्लासवर्क में लिख लीजिए। कुछ है तो पूछ लेना बच्चों थ्रू मैसेज या कॉल करके, मुझे डाउट्स है तो पूछ लेना। धन्यवाद।